प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 9 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर की पैदल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। देश की आजादी के लिए हुए शहीदों, आजादी के लिए अपना योगदान देने वाले महापुरुषों की याद में यह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 15 अगस्त को स्टेट लेवल पर कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन आयोजित करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज भाजपा की केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, महंगाई जैसे मुद्दों पर बातचीत नहीं की जा रही है, जिससे आम आदमी का दो वक्त का खाना भी दूर हो रहा है। 9 अगस्त क्रांति दिवस के ऊपर हम लोग प्रत्येक ब्लॉक में, जिले में, एक जिले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा तिरंगे के साथ में करेंगे और क्रांति दिवस के शुरू करके हम लोग 15 अगस्त को बड़ा सम्मेलन स्टेट लेवल के ऊपर करेंगे। हर जिले में 75-75 किलोमीटर कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदल यात्रा करेंगे और हम एक संदेश देंगे कि इस तिरंगे की आन बान शान में हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो शहीद थे, उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, शहादत दी, यातनाएं सही, लेकिन उन्होंने देश को आज़ादी कराई और आज इस आज़ादी को, इस लोकतंत्र को, इस संविधान को खतरा उत्पन्न हो गया है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार आज संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है, लोकतंत्र के ऊपर आए दिन रोजाना हमले किए जा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से सरकारें गिराई जा रही हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से लोगों को राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर परेशान किया जा रहा है और जो देश के लोगों के जो मुद्दे हैं, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बढ़ती महंगाई के कारण से आज दो वक्त की रोटी गरीब को दूभर हो गई है मिलना, और जिस प्रकार से चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, आटा हो, दाल हो, चावल हो, प्लास्टिक हो, तमाम चीज़ों के ऊपर इस तरीके से महंगाई ने कब्जा कर लिया है कि हर व्यक्ति आज दुखी है। और हद तो तब होगी जब केंद्र की सरकार ने आटे पे, मखाने पे, पनीर पे, दाल पे, सब पे जीएसटी लगा दिया और आटे पे पहली बार देश में, बल्कि विश्व में किसी भी सरकार ने अगर कोई टैक्स लगाया तो वो मोदी सरकार है। इनको महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करने वाले लोग थे एक साल में, वो आज 8 साल में 16 करोड़ को नौकरियां देनी थी, एक नौकरी दे नहीं पाए। रेलवे में नौकरियां निकल नहीं रही हैं, बैंकों में नौकरियां निकल नहीं रही हैं, एसएससी की नौकरियां निकल नहीं रही हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने भी विभाग हैं उनमें नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, बेरोजगार परेशान हैं और देश में इस तरीके का माहौल, अराजकता का माहौल पैदा हो गया है कि आज भाई से भाई को लड़ाने का है और देश में इस तरीके का माहौल, अराजकता का माहौल पैदा हो गया है कि आज भाई से भाई को लड़ाने की कुचेष्टाएं की जा रही हैं और किसी भी रूप में तानाशाही और हिटलरशाही के रूप में ये सरकार, केंद्र की सरकार काम कर रही है। कोई भी वर्ग खुश नहीं है इससे। ऐसे में हम एक संदेश देंगे पैदल यात्रा के माध्यम से और जो हमारा अमृत महोत्सव है वो भी हम लोग मनाएंगे। आज़ादी के 75 साल का पर्व हम लोग आन बान शान के साथ में मनाएंगे और एक संकल्प लेंगे हम इस दिवस कि हम लोग हमारे देश की एकता और अखंडता पे किसी तरह की आंच नहीं आए, देश में जो कुशासन है वो समाप्त हो और देश के जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर केंद्र की सरकार काम करे और अगर वो नाकाम रहती है तो उनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं।